जमीन विवाद के चलते शनिवार की सुबह दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। कहा सुनी बढ़ने पर हमलावरों ने युवक को पेट में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में हमलावर वहां से भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला रामकोट थाना इलाके का है। थाना इलाके के कस्बा निवासी उत्तम मिश्रा और गुड्डू गुप्ता और प्रेम शंकर गुप्ता के बीच काफी समय से जमीन का विवाद चल रहा है। शनिवार को जमीन पर पड़ा कूड़ा उठाने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। बातचीत बढ़ने पर प्रेम शंकर गुप्ता के पक्ष के लोगों ने उत्तम मिश्रा पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली उत्तम मिश्रा के पेट में जा लगी। गंभीर रूप से घायल उत्तम को एम्बुलेंस में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल की। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने जानकारी दी कि युवक के पेट में 12 बोर रसलहे से फायर के छर्रे लगे हैं। उत्तम मिश्रा उम्र 30 साल निवासी रामकोट, जिसको कि मतलब 12 बोर की गोली या उससे मारा गया था, तो मल्टीपल पैलेट्स छर्रे लगे हुए थे उसके शरीर में। खतरे से बाहर था, फिर भी उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जनरल सर्जन ने उसको देख। इस मामले में दरोगा सीपी यादव ने बताया कि इस मामले में अभी तक तहरीर नहीं मिली है। शिकायत पर एक आरोपी रजनीश को हिरासत में लिया गया है, जबकि गुड्डू गुप्ता व दिलीप गुप्ता फरार हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।